वास्तव में वह वा शक्ति कौन सी चाहिए, तो विचारों की शक्ति चाहिए। उन्हें अपने त्रिकाल से दर्श बाल अवस्था में बड़े ये राजगद्दी पे बैठने के लिए जन्म नहीं लिया है, इसने पूरे समाज की रक्षा के लिए जन्म लिया है, अपने को खपाने के लिए जन्म लिया है। भीत होते थे दशरथ जी पिता कहते हैं रावण के महल पर चलने लगे रास्ते कहा ये सज्जन शक्तियों हाथ को उठा करके स्तंभ करने के बाद काल अखंडता और पूरी भारत की समाज ने बताया थे उनको खड़ा किया एक समय विदर हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम पतत्वेश हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे साध्वरं त्वां नमामो वयम् इमे साध्वरं त्वां नमामो वयम् त्वदि पूर्तये वामाशिषन्दे तत्पूर्ते ये विजयदशमी का कार्यक्रम था। एक तो नौ दिन नवरात्रि के बाद आज विजयदशमी का त्यौहार भी मनाया जाता है, पूरे हिंदू समाज का ये एक त्यौहार है। दूसरा हमारे संघ का ये जिस दिन नींव पड़ी थी वो भी विजयदशमी वाला दिन ही है। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की नींव इसी विजयदशमी वाले दिन रखी थी, तो उस उपलक्ष्य में भी इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। साथ में ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी रखा होता है इस दिन, ये दिखाने के लिए कि हम शक्तिवान हैं, हमारा समाज भी शक्तिवान है। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी समाज को देश को, हम अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और तत्पर रहते हैं। तो समाज ये ना सोचे कि हम निर्बल हैं असहाय हैं, तो उसको एक प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी करते हैं। तो आज ये तकरीबन इस नगर के जितने भी अपने संगठन के कार्यकर्ता थे, जितने भी स्वयं सेवक थे, उनके यहाँ पर बुलाया गया था, तो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम और विजयदशमी का उत्सव ये आज मनाया गया उसी पीढ़ी को। हाँ, ये देखो जब तक हम संगठित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम अपने देश को अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते। तो एक शाखा के द्वारा हम यहाँ पर खेल खेल में बच्चों को अपने देश प्रेम के गीत सिखाते हैं, देश भावना जगाते हैं उनमें, और राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम जो है वो जगाते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आने वाले समय में जब भी कभी हमें हमारे समाज को हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े, तो हम हमेशा उनके तत्पर रहें, आगे रहें, उनकी सेवा के लिए हमेशा हम आगे